अस्सलाम वालेकुम सईद भाई। अब इतनी देर से बाहर घंटियां बजा रहे थे, कोई दरवाजे पे भी नहीं आ रहा था, फोन भी कोई नहीं उठा रहा था, खैरियत तो? आप कहाँ थे? कहाँ? माफ कीजिएगा राजा भाई, वो हम लोग माजरत चाहता हूँ कि आपको इंतजार करना पड़ा। आप अंदर आइए ना, बाहर क्यों खड़े हैं? आओ फिजा बेटे, आ जाओ, आइए आइए आइए। ऐसा कभी नहीं हुआ भैया, अबू को अम्मी पर इतना गुस्सा आया कि मैंने उन पर हाथ उठाने की कोशिश। अम्मी का गुस्सा तो सातवें आसमान पर होगा। मैं मुझे खुद बहुत डर लग रहा है। आइए आइए राजा भाई, आइए 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 राजा भाई, आ जाए राजा भाई, आ प्लीज प्लीज प्लीज। जुनैद मेरे शोहर है और मैं उनके साथ रहूंगी, ये हक मुझे मजहब और माशरा दोनों ने दिया है। इसको नहीं छोड़ूंगी मैं, इसको नहीं। ये कैसे मेरे फैसले के खिलाफ जा सकती है? वैसे भी इसका निकाह मैंने जुनैद से किया था ना, अब जुनैद से खुला भी मैं ही दिलवाऊंगी। मुझे जुनैद से खुला नहीं बल्कि रुख्सती चाहिए। अब अंकल वो आंटी किधर है? सभा भी नजर नहीं आ रही। बेटे वो आंटी की तबीयत तो रात से ही खराब है, वो दवा खा के सो रही है, और सभा अपने कमरे में होगी, तुम चले जाओ उसके कमरे में। जी सईद भाई, खैरियत है? बहन की तबीयत ठीक है, कोई खास सीरियस बात तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, वो अक्सर ऐसा हो जाता है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे रहता है, परेशानी की कोई बात नहीं। आप बैठे हैं राजा भाई। थैंक यू थैंक यू। बैठे बैठे आप तशरीफ रखिए। अल्लाह सेहत दे। अच्छा था बहन की मौजूदगी में गुफ्तगू हो जाती। नहीं नहीं राजा भाई, उनकी मौजूदगी कोई जरूरी नहीं है, बल्कि मैं खुद भी कई दिन से सोच रहा था कि अब रुख्सती की बात की जाए। हाँ तो सही है, मैं भी इसी मुबारक काम का सोच के आया हूँ। आप बताए क्या दिन रखना है, वो दिन रख लेते। जुमा, इसी जुमे को। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस मुबारक हो आपको बहुत भाई, लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि सभा बेटी के अलावा इस घर से हमें कुछ भी नहीं चाहिए। मुबारक हो बहन। अभी हम दोनों बैठ के यही बात कर रहे हैं, तो खैर से सभा की रुख्सती के लिए हमने जुमे का दिन तजवीज़ किया है। मुबारक हो आपको। आपने इन्हें बताया नहीं कि हम सभा की रुख्सती नहीं दे रहे, हमें जुनैद से खुला चाहिए। क्या कह रही है? बस ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी बेटी की रुख्सती आपके बेटे के साथ नहीं कर रही हूं। आंटी आप मजाक तो नहीं कर रही है ना? मजाक तो किस्मत ने हमारे साथ। जिस पे ना हंसा जा सकता है ना रोया। अंकल आप ही बताएं, आंटी ऐसा क्यों कह रही हैं? ये क्या बताएंगे? मैं बताती भी हूँ और दिखाती भी हूँ।